चाहेंगे जो आप लोकसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा के चुनाव को लेकर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे हरियाणा में कुछ नहीं किया, हरियाणा को बर्बाद करने का काम किया इन्होंने, और इस बार जनता मन बना चुकी है कांग्रेस की सरकार आएगी हरियाणा में। तो भाजपा से जो है ज्ञानचंद गुप्ता जो मौजूदा विधायक हैं वो चुनाव मैदान में है, तो किस तरह से देखते हैं मुकाबला? भी चुनाव लड़ना हर आदमी का अधिकार है, तो ज्ञानचंद भी लड़ रहे हैं तो क्या बड़ी बात है। किन मुद्दों को लेकर जो है लड़ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो अब तक हमारे पास सैकड़ों मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बेरोजगारी का है, आप देख रहे हैं सड़कों का हाल देखो, बिजली का हाल देखो, पुलों का हाल देखो, पार्कों का हाल देखो, गंदगी के ढेर लगे पड़े, नशे का हाल देखो। और हमारा खुद का जो विजन 80 पॉइंट मैंने चुने हैं वो जल्दी मैनिफेस्टो रिलीज करूंगा, तब आपको बताएंगे। चलो जी, पंचकुला सहित आप मान रहे पूरे हरियाणा में एंटी करप्शन की भी कहीं ना कहीं लहर है या भाजपा से लोग त्रस्त हैं पूरे हरियाणा में? पूरे हरियाणा के लोग परेशान हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो भाई साहब, कई लोग भी ऐसे हैं जो कांग्रेस से जो है टिकट लेना चाहते थे लेकिन नहीं मिल पाई है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो सबका अधिकार है, मान भाई टिकट मांगना सबका अधिकार है जी, ये तो पार्टी ने देखना क्या करना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।